दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली में हुई ऑक्सीजन की भारी कमी और उससे हुई मौतों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार राज्यों से ऑक्सीजन से हुई मौतों का डेटा मांग रही है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जानकारी के लिए दिल्ली सरकार जो जांच कमेटी बनाना चाहती है उसकी मंजूरी केंद्र सरकार नहीं दे रही है और बिना जांच कमेटी के ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का पता लगा पाना मुश्किल है। दिल्ली में अप्रैल मई के महीने में जो कोविड की लहर आई उसमें ऑक्सीजन का भारी संकट हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उस दौरान हर एक अस्पताल में डॉक्टर्स ने, मरीजों के रिश्तेदारों ने, इवन पत्रकारों ने त्राही त्राही के संदेश तक भेजे कि जी किसी तरह से बचा लीजिए, और उसमें बहुत लोगों की डेथ भी हुई। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई थी, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर पर्दा डाल के रखना चाहती है। हमने दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की वजह से हुई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई डेथ की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसको पहले एलजी साहब ने नामंजूर कर दिया। मैंने केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी कि साहब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप राज्य बताएं कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई कि नहीं हुई, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं जी जांच की जरूरत नहीं है। एलजी साहब ने फिर से, हमने एलजी साहब के पास फाइल भेजी थी, एलजी साहब ने फिर से जांच कमेटी बनाने से मना कर दिया है। एलजी साहब का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली में मौत हुई या नहीं हुई इसकी जांच कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार भी कह रही है कि ऑक्सीजन की वजह से अगर मौत हुई तो उसकी जांच करने की जरूरत नहीं है। एलजी साहब भी कह रहे हैं, एक तरफ तो केंद्र कह रहा है कि भाई राज्य बताएं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी डेथ हुई, दूसरी तरफ से कह रहे हैं जांच नहीं करने देंगे, तो बताएं कैसे राज्य फिर। तो इसका मतलब केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य लिख के दें कि केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य लिख के दें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से देश भर में कोई डेथ नहीं हुई थी। यह बहुत बड़ा झूठ होगा कहना, ये उन लोगों के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा जो डॉक्टर्स ने वो समय झेला है। अगर आज केंद्र सरकार जानबूझ के राज्यों से ये कहलवाना चाहती है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई डेथ नहीं हुई थी, जाहिर सी बात है कि ये सारा का सारा ऑक्सीजन मैनेजमेंट जो गड़बड़ाया देश का, उसके पीछे केंद्र सरकार थी। केंद्र सरकार ने जानबूझ के किया या केंद्र सरकार से गलती से हुआ ये तो जांच का विषय है, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में जो ऑक्सीजन का संकट खड़ा हुआ वो केंद्र सरकार का मिसमैनेजमेंट था, केंद्र सरकार की गलतियां थी जिसकी वजह से पूरे देश के लोगों ने त्राही त्राही झेली। और अब केंद्र सरकार कह रही है कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई कि नहीं हुई इसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए। कैसे काम चलेगा फिर, कैसे पता चलेगा देश को? 21वीं सदी में देश में लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए और आप कह रहे हैं इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आप फिर कह रहे हैं कि ये आपने चिट्ठी लिखवा दी एलजी से कि जांच नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले, और आने वाले समय में केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि देश में ऑक्सीजन का जो संकट खड़ा हुआ उसकी वजह से खड़ा हुआ, और आज वो जांच से बच रही है, जांच के तथ्य छिपाना।